यार तो अभी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज जो है उम्रे का आखिरी दिन है हमारा यहाँ मदीना में, इंशाल्लाह ताला। अभी जो है सुबह की फजर की बात का टाइम है और हम यहाँ पर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत पे। तो हमारे पास परमिट नहीं था अंदर जाने के लिए, लेकिन ये है कि फिर भी हमने जो है वो ज़ियारत कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह के टाइम पे इतनी रश नहीं होती तो ये जाने देते हैं। तो बस इंशाल्लाह ताला भी होटल से हम लोग निकल जाएंगे और बस एयरपोर्ट जाएंगे। और 10 बजे की फ़्लाइट है, अभी 1 घंटा है फ़्लाइट में। तो देखते हैं आगे कि क्या हाल है। बाकी ये है कि मदीना में इस वक्त मौसम बहुत खूबसूरत है, सर्दी है, बारिश। जितने दिन हम यहाँ रहे हैं हमने मुसलसल 3 दिन यहाँ बारिश देखी है, फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में। और पहली दफ़ा हमने जो है वो मक्का में भी बारिश देखी है, मतलब इस ट्रिप में हमने दोनों जगह बारिश देखी। और इतनी सर्दी और इतना खूबसूरत मौसम कि पता नहीं सकती। और जिस टाइम हमने लास्ट सेकंड उम्रा जब हमने किया था तो जुमेरात और जुमे का रात थी, उसमें जो है हमारे इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि बहुत खूबसूरत बारिश, मतलब अल्फाज में नहीं बयान की जा सकती। बहुत खूबसूरत मौसम है यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने अपने घर बुलाया। और जो जो लोग की वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घर बुलाए और इसी तरह से खूबसूरत खूबसूरत मौसम में और इतने अच्छे मौसम में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा ट्रिप गुजरा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अब हम जा रहे हैं रियाद। तो ये है जी मदीना का एयरपोर्ट। तो मदीना के एयरपोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो डेवलप नहीं हुआ हुआ, मतलब इन द सेंस जिस तरह रियाद में है। रियाद में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्टोर्स वगैरह हैं और बहुत कुछ है जिस तरह अच्छा बनाया हुआ है। ये जो है सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। हद तक कि यहाँ पे जो मेट्रो के इनके स्टेशन हैं वो एयरपोर्ट से ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं। वो बहुत खूबसूरत मेट्रो जो ट्रेन इनकी जो चलती है वो बहुत अच्छे मुझे उनके स्टेशन लगे, मतलब बहुत अच्छे लग ही नहीं रहा था कि ट्रेन का स्टेशन है ऐसा। एयरपोर्ट से भी ज़्यादा उन्होंने अच्छा बनाया हुआ था और बहुत मेंटेन किया हुआ था और बहुत फास्ट सर्विस थी ट्रेन की भी। और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे स्टेशन में, मतलब तो खैर यहाँ पर जो है हमारा अभी ट्रेन आने में टाइम है तो हम यहाँ वेट करें। और इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे रियाद, फिर मैं आपको रियाद की वीडियो दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए खैर से रियाद और यह हमें रूम मिला है और यहाँ हम रेस्ट करते हैं अभी एक दो घंटे और फिर उसके बाद हम बाहर जाएंगे। तो देखिए बाहर कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा अभी दो दिन हम यहाँ रियाद में रहेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, आपको भी दिखाएंगे रियाद और फिर इंशाल्लाह ताला हम वापस जाएंगे कतर। तो अभी हम बाहर निकले हैं और बारिश हो रही है रास्ते में, हल्की हल्की बारिश है और अभी जाते जाते जो है वो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी बीच में। यहाँ हमने मंगाई है बिरयानी और ये बहुत कोई अरबिक बिरयानी है, इसका नाम था कुछ अरबिक बिरयानी कुछ करके था मैंने, तो देखते हैं कैसी होगी। और साथ में इन्होंने ये मंगवाई है मैक्रोनीस, तो टेस्ट बहुत बहुत अच्छा था बिरयानी का और वो बहुत हैवी बिरयानी थी। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और बारिश बाहर बहुत है और अब देखते हैं अब इसी बारिश में हमने घूमना है क्योंकि हमारे पास बस ये दो दिन है और आज ही का दिन है हमारे पास घूमने फिरने के लिए, बाकी कल का जो दिन है वो फैसले यहाँ कुछ काम करना है ऑफिस से रिलेटेड ऐसे। तो बस जी हम यहाँ आए थे एक मॉल में, असल में मॉल्स के नाम मुझे कुछ याद नहीं है, ये कोई ऐसे कोई ख़ास मॉल भी नहीं थे रियाद में अगर मैं कहूँ तो, बस ये कुछ शॉपिंग सेंटर था। तो मॉल के बाहर सारी शॉप्स थी और मॉल के अंदर जो है वो खाली था, कुछ भी नहीं था, ऑफिस वगैरह बने हुए थे। तो हमने बस उसके आसपास एक ग्राउंड लिया और कुछ समझ तो हमें आई नहीं, बस फिर हम वहाँ से गए और फिर हम एक और भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी, हम वहाँ गए, वहाँ से भी हमें कुछ समझ नहीं आया, बस ऐसे ही हमने वहाँ भी थोड़ा सा टाइम बच सकता गया और उसके बाद हम वहाँ से गए थे। यानी एक दिन के अंदर या समझे चार घंटे के अंदर हमने पांच मॉल्स घूमे, ठीक है। तो सिर्फ रास्ते में जो टाइम लगा है सिर्फ वो लगा और बाकी इसी तरह बस थोड़ा सा हमने वॉक की और दूसरी, अब ये दूसरा मॉल आ गया, ठीक है। तो कोई ख़ास जो है ना मुझे समझ नहीं आया कि मॉल्स किस तरह के बने हुए या क्या उनका सेटअप क्या है, थोड़ा सा समझ से बाहर था खैर। तो अभी हम ये एक और मॉल में आए, ये थोड़ा सा मॉल हमें लगा कि हाँ इस मॉल के अंदर शॉप्स हैं, लेकिन ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि लिया जा सके यहाँ से। तो बाकी ये कि जद्दा जो है वो हम गए नहीं और जद्दा जो है मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत कुछ था, वहाँ हमें जाना चाहिए था, एक आध दिन के लिए हमें रहना चाहिए था, लेकिन चले अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। बट ये है कि वहाँ पे भी हमें कुछ समझ नहीं आया, हम यहाँ पे आए हैं, ये मेरे फैमिली में जरिए बुक शॉप है, तो ये वैसे है सऊदी की, ये तो सऊदीया की है और यहाँ कतर में भी है, लेकिन हाँ ऊपर चलते हैं, वेट करो पहले मैं यहाँ एक चीज़ देख लूँ। आ रही हूँ मैं, वेट कितने की है ये फीफा, प्राइस देखो सेम प्राइस है ये यार।
वहाँ भी इतने की है। ये चेक करो, ये भी सेम है। ये बड़ा इसलिए ना, ये वाली इसकी स्पेस यहाँ से बहुत है। ये वाला आपके पास है ना? ये हाँ ना, ये मैंने यहाँ से लिया था, वो ये ऐसा ये था बेटे, मैंने यहाँ से लिया। बस वो कह रहा है कि मैंने अपने फॉर्म हाउस में बुलाना था, खाना सब कुछ करना था, मसला ये हुआ कि ये बादशाह उस लोरी को चल के आया। नहीं बट टेल हिम इट्स टू मच, इट्स टू गिल हैज ज्यादा। ना 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 वहां ही जाओ, इट्स इट्स आई नो इट कैन इट उस टाइम कितना मोर है ताकि हम लोग ना जाए। मेरी भी खजूरें खिले सारी चीजें खरीद कर ली थी, ठीक है। ये जो हैं शराज भाई के पार्टनर हैं और मेरे ख्याल में फ्रेंड हैं, पार्टनर हैं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि इनसे मैं 2-3 दफ़ा पहले भी मिल चुकी हूँ। इनकी फैमिली जो है वो दुबई में हमारे घर भी आई थी, तो ये स्पेशली इनको पता चला है कि हम आए हुए हैं तो ये हमें मिलने आए हैं। और फैसल के लिए गिफ्ट आया है, और ये है जी फैसल का गिफ्ट, तो आपको अभी यया भैया खोल के दिखाएंगे। बेटे इसको खोलो ना, खोल दिया ना, लॉक दोबारा हो गया है वो। ये सारे इधर है, सारे इधर। ये हम आए हैं जी रात का खाना खाने के लिए, और ये हमने लेके आए हैं हमारे शराज को। और बहुत खूबसूरत जगह है, बारिश हो रही है बाहर, और ये बिल्कुल विलेज की तरह बना हुआ था ये रेस्टोरेंट, और रियाद के अंदर ये है। और आप अंदर से रेस्टोरेंट देखें, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप किसी गांव में आ गए हैं। बहुत पहले ज़माने में जिस तरह गाँव होते थे, सेम उसी तरह से बना हुआ है, और बहुत खूबसूरत है। और जो यहाँ पर सर्दी हो रही है, और बहुत अच्छा मौसम है, बेहतरीन। और यहाँ पे जितना भी खाना था वो सब देसी घी में बना हुआ था, और बहुत मज़े का था। आप भी चलें, मैं आपको दिखाती हूँ सब चीज़। ये जो है ना, नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे पूरा चारों तरफ ऐसे बना हुआ है जैसे बरामदा होता है, और ऊपर भी, और बीच में पूरे इन्होंने प्लांट्स लगाए हैं। और ये देखिए, ये बैठने की जगह जहाँ खाना खाते हैं इस तरह, और ये बाहर की साइड पे जो है वो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। और ये इतनी सर्दी हो रही है यहाँ पर, इतनी जगह ठंडी है कि यहाँ बहुत जो है ना सर्दी वाला माहौल हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप गाँव में आ गए। ये सूप है, ये नहीं नहीं ये दोनों सूप है, और ये नहीं है सूप, दे सूप दे, ये बहुत ज्यादा है यार, ये दोनों सूप है, ये वो सूप है, वो वाले हां वाले नाम सूप है ना, टू गुड यार। अच्छा अब एक बिस्कुट ले दे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ये ले अभी, ये ले सर्विंग बाजी से करवाते हैं ये जी। ये क्या था, बालने सूप? अच्छा ये सूप है तेरा, मारने वाला है कौन सा वाला सूप है तेरा, मारने ये क्या है। खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था, खाना खा लिया हमने, और अब हम जाएंगे होटल। और बहुत सर्दी है, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, और सब खाना जो था वो बहुत देसी जायका था उसके अंदर। मुर्गी भी देसी वजूई भी थी, और देसी घी में बना हुआ था सब कुछ, तो बिल्कुल एक गांव वाली फीलिंग आ रही थी। और सर्दी तो यहाँ पर बहुत हो रही है। वो मैंने ली है, रुको एक मिनट, पहले मैं जरा यहाँ से ले लूँ। This bottle in there. Hmm.
अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सफ़र भी हो गया पूरा। अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो सामान वगैरह सारा हमारा रेडी है और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। 6 घंटे और 12 मिनट लगेंगे और टाइम हो रहा है 7:43। 16 सेंटीग्रेड है और 3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है। और अब देखते हैं रास्ते में कितनी बारिश है, क्योंकि बादल जो है वो फुल आए हुए ऊपर। और चलिए और चिप्स और ले लो, एक दो और चिप्स ले लो। जूस है, जूस वगैरह देख लो मेरे। सऊदीया और कतर बॉर्डर के ऊपर जो है ये एक बीच है। और हमने जाते वक्त मैंने फैसला किया था कि हम वापसी पे ज़रूर यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अभी वापसी पे हम जा रहे थे तो मौसम भी बहुत खूबसूरत था, तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, फिर चलते हैं। फिर हम यहाँ पर रुके हैं भाई, तस्वीरें वगैरह लेंगे थोड़ी सी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम थोड़ी देर रह के 5 to 10 मिनट्स हमने यहाँ पर गुजारे होंगे और फिर हम वापस आ गए। और ये इतना खूबसूरत बना हुआ है, लोग यहाँ पर बैठ के जो है वो अपने पिकनिक वगैरह के लिए आए हुए थे। बकायदा अपने घर से सामान खाने पीने का सब लेकर आके पूरी पूरी बड़ी बड़ी फैमिलीज आई हुई थी यहाँ पर। तो बहुत खूबसूरत बीच है ये। Oh, oh, oh.
हम अपने घर वापस आ गए हैं। ये था जी आज हमारा उमरे का लास्ट व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।